गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं पीपीबीएस की प्लानिंग बजटिंग सिस्टम। पीपीबीएस एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बजट व्यवस्था है और इसको सेक्टोरल बजटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्टर वाइज हम एनालाइज करके बजट बनाते हैं। तो पहला तत्व तो है इसका प्लानिंग। आप देखिएगा कि आपको डायग्राम में केस स्टडी मिलेगी इंडिया की एनर्जी सेक्टर। यदि हमें एनर्जी सेक्टर के लिए पीपीबीएस बनाना है तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। हम इसके लिए एनर्जी विजन 2050 डेवलप्ड करेंगे कि 2050 में भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, तो इसके लिए प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हमारा उत्पादन कितना है, प्रोडक्शन कितना है, कंजप्शन कितना है और गैप कितना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया में इस समय 100 बिलियन यूनिट का प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है 110 बिलियन यूनिट का, करीब 10 बिलियन यूनिट की हमारे पास शॉर्टेज है फॉर एग्जांपल। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि कंजप्शन पैटर्न क्या है, कि किस सेक्टर में एनर्जी का कंजप्शन कितना है, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अनदर सेक्टर्स में कितना एनर्जी कंजप्शन है। फिर हम ये देखेंगे कि इन एरियाज में ग्रोथ रेट कितनी है और अगले 50 यानी कि 28 ईयर्स आर इन हैंड, कि 28 साल बाद कितनी इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इन फील्डों में। एग्रीकल्चर में कितना होगा, इंडस्ट्री कितना एनर्जी इनटेक करेगी, डोमेस्टिक सेक्टर कितना एनर्जी इनटेक करेगा। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज इश्यूज, फॉर एग्जांपल वी गॉट अ टारगेट दैट इन 2050 वी विल रिक्वायर एटलीस्ट 200 बिलियन यूनिट्स पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 200 बिलियन यूनिट जो है, 200 बिलियन यूनिट हमें चाहिए होगी। तो हमें अब तैयारी करनी होगी कि अगले 28 साल में ये जो हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी हमारी जो कैपेसिटी है 100 बिलियन यूनिट की है, तो हमें एक्स्ट्रा 100 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी हमें डेवलप्ड करनी है 28 इयर्स में। टाइम है 28 इयर्स, टारगेट है प्लस 100 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आज हमारा प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, कि प्रोडक्शन पैटर्न से आप समझ रहे हैं कि भाई थर्मल एरिया में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और आपके हाइड्रो सेक्टर में कितनी हो रही है, न्यूक्लियर सेक्टर में कितनी हो रही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इस बजट को एक सस्टेनेबल बजटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है, बजट बनाता है। हमने कहा कि भाई थर्मल के अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि थर्मल का जो है कोयला जो है वो हमारा रिजर्व अब लगभग नियर टू एंड है। दूसरा कि भाई आपका हाइड्रो पावर को भी बिग डैम्स और इकोलॉजिकल एक उसके इश्यू के रूप में उस पर भी थोड़ा समस्या रही है। हालांकि हाइड्रो एनर्जी बहुत अच्छी और इसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, बट ड्यू टू द लार्ज डैम उससे जो हाइड्रोलिक प्रेशर और फिर भूकंप की समस्या जो होती है, तो उससे उसको लेकर के कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो उसको इश्यू को उठाते हैं कि बड़े डैम्स नहीं होने चाहिए, तो बट माइक्रो डैम्स हो सकते हैं। और बट थर्मल की तुलना में हाइड्रो में हम थोड़ा स्विच ओवर कर सकते हैं। दूसरा कि हम नॉन कन्वेंशनल को और न्यूक्लियर सेफ यूज और सेफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग हो गई और हमारे पास टारगेट है 100 बिलियन प्लस यूनिट का। अब हम इसके लिए अलग अलग सेक्टर में प्रोग्राम बनाएंगे, हाइड्रो सेक्टर में, थर्मल सेक्टर में, नो डाउट कि कम होंगे थर्मल सेक्टर के प्रोजेक्ट बट होंगे। इसी तरह से हम न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर और नॉन कन्वेंशनल में सबसे ज़्यादा हम फ्यूचर ग्रोथ जो हम अपनी देखते हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सौर एनर्जी, पवन विंड एनर्जी वगैरह में देखते हैं। तो उस एरिया में हम कितना अच्छा कर पाएंगे, कितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर पाएंगे, ये सारा प्रोग्राम्स इसमें बना के रख देंगे हम। ठीक है, तो ये प्लानिंग हो गई, फिर प्रोग्राम आपके सारे बन गए अलग अलग एरियाज में। और हर बजट में इन परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय बजट में प्रावधान रखेगा
और संसद से इनके लिए पैसा विनियोग किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह से प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हो सकती है, आपके साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो सकती है। बट अब इसके लाभ क्या है? लाभ तो ये है कि भाई एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता है, इससे हम सोसाइटी के लिए बेटर एक फ्यूचर मैनेजमेंट कर पाते हैं, और आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है वो एक मतलब नियोजित रणनीति होती है, उसमें फ्रेगमेंटेड कि भाई हाँ किसी एक परियोजना या एक क्षेत्र को नहीं, सारे क्षेत्रों को बैलेंस करके विकास होता है। जैसे अभी तक हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में थर्मल पर हम सबसे ज़्यादा झुके रहे, तो अभी हमारी जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है वो भी अनटेप्ड है, नियरली 30% तक ही इंडिया की अभी हाइड्रो पावर का यूटिलाइजेशन हुआ। तो जब हम पीपीबीएस को अपनाते हैं तो हम उस सेक्टर के सभी एरियाज को, सभी सब सेक्टर्स को जोड़ के प्लानिंग करते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा कि इससे क्या होता है कि एक इनोवेटिवनेस और पार्लियामेंट्री कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें तो आती ही है। अब रहा कि भी इसकी सीमाएं क्या है, जब अच्छा है तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया अभी तक सरकारी तंत्र में? तो समस्या ये है कि ये लॉन्ग टर्म लेके चलता है, 30 साल, 20 साल। अब उसमें होता ही है कि विशेषकर लोकतांत्रिक देशों में जहां 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, कि वो सरकार पिछली सरकार के, नई सरकारें पिछली सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहती। अगर राष्ट्रीय आम सहमति है किसी मुद्दे पे तो हो सकता है कुछ को आगे फॉरवर्ड किया जाए, अदरवाइज जो पॉपुलर मैंडेट होता है जिसे लेकर के सरकार बनती है, नई सरकार आती है नया जनादेश लेकर के, तो नई सरकार अपने किए हुए वादों को, अपने किए हुए जो लक्ष्य हैं उनको, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तो पिछली सरकार का एजेंडा लागू करने में उन्हें रुचि नहीं होती है, एक चीज। दूसरा कि वी आर लिविंग इन द इंस्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, कि ये आपका इंस्टेंटली चेंजिंग है। इंस्टेंटली चेंजिंग का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि बदलाव हो रहा है, आईटी सेक्टर में देखिए आप किस तरह से तेजी से कितने बदलाव हो गए। तो इसी तरह से फ्यूचर में, अभी जैसे हम 20 साल के लिए या 30 साल के लिए एनर्जी सेक्टर का बजट बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले 5 साल में कोई नई एनर्जी का कोई नया सोर्स ऐसा पता चल जाए जिसका आज हमें पता ही नहीं, जिसका हमें पता नहीं, तो फिर हमारी जो पूरी प्लानिंग है शायद वो उतनी यूजफुल ना रह जाए। कल कैसे साइंस में डेवलपमेंट्स होंगे, अगले साल में क्या क्या ऐसे इन्वेंशंस होंगे, हम नहीं कह सकते। तो ड्यू टू द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड रैपिडली चेंजिंग इनोवेशंस, वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडिया लगता नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूज़ नहीं, इसका बड़ा यूज़ है। आज हम भारत में जो अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम देखते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, मेट्रोज में जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कैलकटा, इसमें जो सारी इस प्रॉब्लम्स हैं ये अनप्लैंड ग्रोथ के कारण है। सिविक कम्युनिटीज के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं गई, बस जनसंख्या का बोझ उसी पुराने जो 50-60 के दशक का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी पे जनसंख्या का लोड लगातार बढ़ रहा है। तो अगर हमें, क्योंकि 21वीं शताब्दी अर्बनाइजेशन की शताब्दी होने जा रही है, तो अगर हमें फ्यूचर में, कमिंग डेज में अर्बन चैलेंजेस से लड़ना है और प्रॉपरली इनको हैंडल करना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि पीपीबीएस को अर्बन मैनेजमेंट के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो ये था आपका पीपीबीएस, और आपको उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको कहा भी है कि डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक्स मैंने दिए रहते हैं, प्लस कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है पीपीबीएस, फिर भी आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। एज ए सजेशन आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। और ये इस साल 2021 का आखिरी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। नए साल में नई उमंग के साथ नई टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। जाता हुआ वर्ष विदा ले रहा है और आने वाली नई सुबह प्रतीक्षा कर रही है। तो इस आने वाली नई सुबह में आप नव वर्ष में आए, नव वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए मंगलमय हो,
स्वास्थ्यवर्धक हो, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, ये मेरी शुभकामना है। जिस लक्ष्य को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, आपके सपने साकार हों। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड गुड बाय।